गूगल पे का अकाउंट कैसे क्रिएट करें, गूगल पे से पैसे कैसे ट्रांसफर किया जाता है, गूगल पे पर बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करना है, मतलब अकाउंट बनाने से लेकर बैंक अकाउंट जोड़ने तक का प्रोसेस और पैसे को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, ए टू जेड प्रोसेस की अपडेट आ चुके हैं, नए नए प्रोसेस बदल चुका है, पुराना नया अपडेट जानते हैं। अगर आप पहली बार गूगल पे का अकाउंट बना रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको बताएंगे पूरा ट्यूटोरियल कि गूगल पे का अकाउंट कैसे बनाया जाता है ए टू जेड प्रोसेस के साथ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पे का भाई अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले भी आपको प्ले स्टोर पर आना है भाई। आपको गूगल पे एप्लीकेशन करना है डाउनलोड भाई। उसको करने के बाद सिंपल आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब भाई यहाँ पर देखो आपका फ़ोन नंबर डाला होगा पहले से गूगल पे का। फ़ोन नंबर के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखो लिखा कंटिन्यू, हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई देगी, आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी को बदल सकते हो। यहाँ पर आके आप कौन सी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना चाहते हो भाई, मेरी ईमेल आईडी पहले से सेलेक्ट है और नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है भाई। सिंपल नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है अपसेक्ट एंड कंटिन्यू, तो हमें अपसेक्ट पर क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई होगा, वेरीफाई जैसी फ़ोन नंबर होगा इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपका जो गूगल पे अकाउंट हो उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देखो अभी कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, ना तो आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ना किसी को पैसे भेज पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी करने का अभी आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो अकाउंट को कैसे लिंक किया जाता है बैंक अकाउंट को, वो प्रोसेस देखते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे पैसे कैसे ट्रांसफर वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। अब भाई देखो यहाँ पर लिखा है ऐड बैंक, तो भाई आपको सिंपल ऐड बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट दिखाई देंगे भाई। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको ही पता होगा, ठीक है ना। क्लिक कर सकते हो, जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली SBI बैंक है, तो मैं SBI पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो लिखा है कंटिन्यू, हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपकी प्रोसेस चालू है, यहाँ पर देखो क्या मांग रहा है, यहाँ पर आपका इसको अलाउ कर देना है और इसके बाद SMS भी अलाउ कर देना, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस नीचे चालू हो चुकी है, आपका SMS जाएगा आपके बैंक पर, वो वेरीफाई कर रहा है आपका फ़ोन नंबर आके आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है ना। तो देखो ये फिंच अकाउंट ये लिख के आ चुका है इस तरीके से। हम जैसे ही क्लिक करेंगे भाई तो आपका अकाउंट जो है वो फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन भाई आपका कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा कंटिन्यू में क्लिक भाई, जैसे हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे भाई तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो लिखा डेबिट कार्ड, ATM और आधार। तो भाई आप बिना ATM के भी आप चाहो तो अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो आधार बेस से, अगर आपके ATM नहीं मिला तो भाई। अगर आपके पास ATM है तो ATM पर क्लिक करना ऊपर, तो आपको सिंपल कंटिन्यू में क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो लिखा है एंटर योर डेबिट ATM कार्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो आपको मिलेगा, यहाँ पर लिखा भाई यहाँ पर डेबिट ATM लास्ट 6 डिजिट, ठीक है ना। तो आपके ATM के जो लास्ट जो नंबर होते हैं 6 नंबर, आपको वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा एक्सपायर डेट जो होती है ATM पर, वो एंटर करना है। हमने भाई यहाँ पर एंटर कर दिया, सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो लिखा है इस एरो पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो है ये गेटिंग इन्फॉर्मेशन UPI चल रहा है, आपका एक SMS आएगा आपके बैंक पर और वो SMS आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है ना। भाई यहाँ पर देखो OTP एंटर कर दिया, सिंपल नीचे आपको यस में क्लिक करना है। अब यस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा है भाई UPI पिन, मतलब भाई आपको अपना UPI पिन को सेट करना है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी को पेमेंट करोगे ना तो UPI पिन मांगता है आपका, ठीक है ना। तो उस पिन को यहाँ पर सेटअप करना है। तो भाई यहाँ पर मैं अपना पिन यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ जो मुझे याद रहेगा हमेशा। आपको एक बार पिन मैंने एंटर कर दिया, अब नीचे आएंगे आपको यस पे क्लिक करना है। देखो भाई आप यहाँ पर लिखा कन्फर्म, फिर से एक बार आपको वही पिन फिर से एंटर करना है, ठीक है ना। हमने फिर से पिन एंटर कर दिया, सिंपल हम फिर से यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो पिन है भाई वो बनके तैयार हो चुका है, अब आप दोस्तों यहाँ से आप किसी को भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे भाई मुझे बैंक अकाउंट चेक करना है मुझे, तो नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा है देखो चेक बैंक, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर UPI पिन मांग रहा है, अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने पिन एंटर कर दिया, सिंपल यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बैलेंस देखना शुरू हो चुका है, बट फिलहाल मैंने ब्लर करके रखा है। तो आपका पिन भी सेट हो चुका है, अब पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना होता है कहीं भी वो मैं बताऊँगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो भाई फिलहाल दोस्तों हम सबसे होम पेज पर फिर से आ चुके हैं गूगल पे के। अब यहाँ पर देखो किसी को अगर पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है तो देखो यहाँ पर लिखा QR कोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब होता क्या भाई कि अगर किसी को आप दुकान जाते हैं कहीं भी है, कहीं आपने कुछ ख़रीदा है, तो आप उसको यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं इजी तरीके से। अब दूसरा तरीका भाई क्या है कि आप चाहो तो बैक कीजिए, यहाँ पर देखो लिखा टू पे कॉन्टैक्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए
और आपको इसको अलाउ करना है। और अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखो आपको उसका फ़ोन नंबर एंटर करने से, भाई ये वाला फ़ोन नंबर है, मैं इस पर एंटर करता हूँ। और यहाँ पर एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो लिखा है पे, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और पे पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपको अमाउंट दर्ज करना है, और आपको यहाँ पर एरो पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो पैसा है वो ट्रांसफ़र जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है ना। अब भाई नेक्स्ट ऑप्शन भाई ये भी है पैसा ट्रांसफ़र करने का, कि आप यहाँ पर देखो लिखा है बैंक ट्रांसफ़र, आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका बैंक अकाउंट फिल करके आप कंटिन्यू कर देना, और अमाउंट दर के अमाउंट एंटर करके आप यूपीआई पिन एंटर कर देना तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल पे का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है लाइव डेमो करके। सो भाई प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो आगे लाएंगे इसी चैनल पर। चलिए भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।